नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये तीन कलर का डोरमेट बनाना बताने जा रही हूँ। इसमें मैंने 21 फंदे डाले हैं। ये सनफ्लावर डिजाइन का बहुत खूबसूरत डोरमेट है। ये मेरे तीन कलर हैं, मैंने ये तीन कलर का डोरमेट बनाया है। आप अपने हिसाब से कलर चॉइस कर सकते हैं। और फंदे, ये मैंने 21 फंदे हैं टोटल। आप इसको और बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने ये 8 फंदे ये डाले हैं ग्रीन से, और 2 फंदे रेड के, और 11 फंदे ब्लू से डाले हैं। और इसको हम पहली सिलाई, देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे और ये हम पहली सिलाई बुन रहे हैं। और ये फंदे हम 9 फंदे उल्टे उल्टे बीन लेंगे। ये देखिए, तीन फंदे हमारे ये हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये देखिए, हमने 9 फंदे बीन लिए और ये 2 फंदे हैं। अब हम ये बिनाई पहले से स्टार्ट करेंगे, तो अब हम ये 2 फंदे रेड से बीन लेंगे। 1, 2, ये देखिए 2 से हमने बीन लिए, 2 हमारे पहले के थे इसलिए हमारे ये 4 फंदे हो गए रेड के। ये देखिए, ये हमने 4 फंदे रेड के बीन लिए। अब हम ग्रीन पे आ गए, तो इस फंदे को ऐसे करेंगे और इसको नीचे से हमेशा जोड़ पे ही फंदा है, क्योंकि हमें बहुत ध्यान से बनाना है, नहीं तो हमारा जोड़ से ही डिजाइन ख़राब लगने लगती है, वो अलग अलग से दिखती है। ये देखिए, हम इसको अब हम ये फंदे बीन लेंगे। ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए हमने 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 फंदे हमने बीन लिए और 2 फंदे छोड़ दिए, और ऐसे घुमा के इसको ले लेंगे। अब हम उल्टी सिलाई पे आ गए, सीधी सिलाई पे आ गए, वो हमारा उल्टा साइड था, ये सीधा है। अब हम फंदे ऐसे ही बीन लेंगे जैसे हैं हमारे। ये देखिए, हम पूरे, अब हमारी 6 फंदे, 2 फंदे हमने छोड़ दिए। ये देखिए, पूरे इनको इस सिलाई में ऐसे ही बीन लेंगे। अब हमें ये हमारा जोड़ है, इसको ध्यान से बनाइए। आप इस फंदे को पीछे करेंगे और इसको क्रॉस से ही आगे लाएंगे, और ऐसे खींच के टाइट रखेंगे यहाँ का फंदा, नहीं तो हमारी डिजाइन लूज जाली ऐसी अलग अलग दिखेगी। ये देखिए, अब हम ये चारों फंदे ऐसे बीन लेंगे। ये देखिए, हमने ये चारों फंदे ऐसे बीन लिए। अब हमें इसको पीछा करना है और ब्लू वाले को, धागे को खींच के ही आगे लाना है, इसे टाइट रखना है, इससे हमारा जोड़ अलग अलग ना दिखे। डिजाइन बहुत खूबसूरत सी लगती है अगर सही से टाइट से जोड़ पे ही ध्यान से बनाएं। और ये हम पूरा लाइन ऐसे बीन लेंगे। ये देखिए, ये सिलाई हमने बना ली। अब ये हमने पूरे फंदे बीन लिए। अब हम दूसरी सिलाई पे आ गए। ये देखिए, अब हम दूसरी सिलाई में आ गए। ये देखिए, अब हमको ये सिलाई, ये फंदा उतारना है और ऐसे ही बनाना है। ये हमारी दूसरी सिलाई है। ये देखिए, ये हमने बीन ली। अब हमने 2 फंदे फिर इस तरह से ये रेड के बना लिए। अब हमारे रेड के हो गए 6 फंदे, ये 2, 3, 4, 5, ये 6 फंदे हमारे रेड के हो गए। और ये ग्रीन के जैसे हैं वैसे ही बीनना है, 1, 2, 3, 4, ये 4 बीन लिए। उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार हम 2 फंदे छोड़ देंगे और इधर घुमा के ये ऐसे ले लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से सीधी सिलाई जैसी है वैसी बीन लेंगे, फिर बना देंगे। देखिए, अब हम फिर सीधी सिलाई में आ गए, उल्टी सिलाई में। ये फंदा उतार लिया और इसको ऐसे घुमा के ले लिया, और ये पूरे फंदे हम बीन लेंगे और 2 फंदे ब्लू के रेड कर देंगे ऐसे करते कर। ये देखिए, ये यहाँ पे अब फिर 2 फंदे हमने कर लिए, और ये पूरी लाइन बाकी हमारे ये रेड के फंदे बढ़ रहे हैं, और बाकी ये मैं ऐसे करते करते यहाँ तक बीन लूँगी। 3 फंदे छोड़ दूँगी ब्लू के और रेड के पूरे यहाँ तक, और यहाँ 2-2 छोड़ते हुए यहाँ तक आ जाऊँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, हमने अब पूरे फंदे यहाँ 2-2 करके हमने
पूरे यहाँ तक छोड़ लिए और ये 8 फंदे हमने और ये बीन लिए, ब्लू के रेड कर दिए। इधर को अब हम पूरे ऐसे बीन लिए, 3 फंदे हमारे बचे। इन 3 फंदों को हम कुछ नहीं करेंगे। अब हम ये फंदा उतारेंगे, आप हर सलाई में एक बार फंदा उतारिए, ऐसे घुमा के लीजिए। इसको एक बार बीनना है, एक बार नहीं बीनना है। और ऐसे एक, ये 3 फंदे हमने बीन लिए, ये देखिए बीन लिए। अब ये हमारे 3 फंदे हमने ये ब्लू के बीन लिए। अब हम इसको ये 2 फंदे रेड के, हमने जो 10 फंदे डाले थे उसमें हमने 10 फंदे 8 फंदे रेड बना लिए हैं। और ये देखिए 1 2 बीन लिए और ये 2 4 फंदे, 1 2 3 4, ये 4 बना लिए। अब हम इसको ग्रीन से करेंगे, बाकी फंदे ग्रीन से बीनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए 6 फंदे हमारे ये ग्रीन से हो गए। और ये फंदा हम उतारेंगे और ऐसे घुमा के ले लेंगे और ये ऐसे ले लेंगे और ये फंदे को बीनेंगे नहीं, इसे पिरो लेंगे। और फिर ये हम ये सीधी सलाई पे हम पूरे ये फंदे ग्रीन वाले ग्रीन से बीनेंगे। ये देखिए ये बीन लिए और इसको पीछे किए और ये रेड को आगे लाए और ये 4 फंदे हम रेड के बीन लेंगे। ये देखिए इस ये हमने बीन लिया। फिर ये 3 फंदे हमारे ब्लू के हैं, इनको हम पूरा ऐसे 3 फंदे बना लेंगे। ये देखिए हमने 3 बीन लिए। ये देखिए हमारी हाफ कली बन के तैयार हो गई। अब हम फिर से इस कली को वो करेंगे। अभी तक हम इस तरफ को बढ़ाए थे फंदे, अब हम इस तरफ को जाएंगे। ये हमारा इसी तरह से, अब ये हमने 3 फंदे ये फंदा उतारेंगे और इसको ऐसे, ये देखिए ये हमने 3 फंदे बीन लिए। अब हम फिर ये जो रेड है इसको ब्लू कर देंगे। ये देखिए ये 2 फंदे ब्लू के। अब हम 2-2 फंदे अपने, जैसे हमने 2-2 फंदे इधर किए थे, अब 2-2 फंदे इधर को करेंगे। और ये इस तरह से किया और बाकी फंदे हम सब पूरा रेड से बीन लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8 फंदे हमने जो 8, हाँ ये 8 फंदे हमने बीन लिए जो हमने ये ग्रीन से बीने थे। अब हम सेम उसी तरह, अब हम क्या करेंगे ये डिजाइन को, अब हम बैक में जाएंगे। अब इसी तरह से हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए इधर आए थे, अब 2-2 फंदे लेते हुए इस साइड में आएंगे। ये देखिए अब हम 2 फंदे इसके बीन लेंगे, 1 2, ये 2 बीन लिए, फिर ऐसे घुमा के ऐसे वापस किए और इधर आएंगे तो ये फंदा जो हमने पिरोया था इसको इस पे ले लेंगे, बीनेंगे नहीं पिरो लेंगे और ये 2 फंदे बीन लेंगे और ये वापस जाएंगे। ये थोड़ा ध्यान से बनाइए और ये देखिए जोड़ को हमेशा ध्यान से बनाइए इसे क्रॉस में। और ये पूरे रेड वाले रेड से बीन लेंगे सीधी सलाई में, जैसी है पूरा वैसे ही रखेंगे। ये देखिए ये देखिए अब ये वापस किया और ये ग्रीन इधर लाएंगे और इधर ये देखिए एक इसको बीन लेंगे। ये देखिए इसको हम पीछे और ये पूरे हमारे अभी 5 फंदे हो गए, 3 पहले थे और 2 ये देखिए। और ये फंदा हमने पूरा यहाँ तक बीन लिया। अब हम फिर उल्टी सलाई में आ गए और फिर इसको इसमें पिरोएंगे और इसको ऐसे ब्लू वाले ब्लू से बीन लेंगे और अब हम ब्लू के 2 रेड बनाएंगे। ये देखिए अब इसको हम 2 को रेड कर देंगे। ये देखिए अब हर सलाई में हम ऐसे ही करेंगे और यहाँ तक रेड बीनेंगे पूरे। अब 2 फंदे हमारे कम हो गए,
तो अब रेड के बचे हमारे पास 6 फंदे, अब हम 6 पूरे बुन लेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। उस बार हमने 8 बुने थे, इस बार 2 कम हो गए, 6 बुन लिए। अब इसको ऐसे करेंगे, उस बार हमने 2 बुने थे इसके ब्लू के, ये देखिए 2 और बुन लेंगे। जिस तरह से हम पहले इधर को 2-2 छोड़ते आए थे, अब इधर से 2-2 लेते हुए जाएंगे। तो ये हमने 2 उस बार बुने थे, अब हमारे 4 हो जाएंगे, 3, और ये देखिए 4 हो गए। और ये फंदा उतारेंगे और ऐसे घुमा के ले लेंगे, ये इस तरह से। ये देखिए हमारा ये एक कली बन के तैयार हो रही है। अब हम आएंगे, फिर ये सीधी सिलाई जैसी है वैसे बुन लेंगे, फिर उल्टी सिलाई में हम सेम उसी तरह से रिपीट करेंगे। ये 2 फंदे जब 2 रह जाएंगे तब, और यहाँ तक हम पूरे लास्ट तक ये 2-2 बुनते आएंगे। अब ये देखिए, ये देखिए, अब हम फिर इस तरफ आ गए उल्टी तरफ। उस बार हमने हर बार हम 2-2 फंदे ब्लू के बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये हमने 2 फंदे और कर लिए और रेड के फंदे कम, 4 और बचे। इन 4 को हम पूरा रेड से बिनेंगे, रेड के पूरे फंदे रेड से ही बिनना है। ये देखिए 4 हमने बिन लिए, और अब हम फिर इसको ऐसे करेंगे और इसके नीचे से ही ये ग्रीन वाला ला के बिनेंगे। और ये देखिए ऐसे, उस बार हमने 4 किए थे, अब हम 6 फंदे बिन लेंगे। ये ऐसे करके हम 2-2 फंदे हर बार बढ़ाते जाएंगे और इसको उतार के ऐसे घुमा के ले लेंगे। ये देखिए ये फंदा उतारेंगे और फिर वैसे ही बीन लेंगे जैसे हमारा पूरा है सेम सीधी सिलाई में। इसी तरह से हम, अब हमारे ये 4 फंदे बचे हैं, इनको उस बार हम आएंगे तो ये 2 ब्लू कर देंगे, रेड हो जाएंगे, और ये आखिरी तक बीन लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमने अब पूरा बना लिया और ये हम लास्ट तक बीन लिए। और अब हम, ये देखिए हमारी एक पंखुड़ी बन के तैयार हो गई है। अब हम ये पहला फंदा उतार लेंगे, बिनेंगे नहीं, इससे हमारा बीच का सर्कल बहुत छोटा बनता है और उसको सिलने में भी आसानी रहती है। ये देखिए अब हम पूरी लाइन ऐसे हम बीन लेंगे, पूरी सिलाई है। ये देखिए ये हमने पूरी सिलाई जैसी है वैसी हमारी बीन गई, क्योंकि अब हम सीधी सिलाई में। और सेम इसी तरह से अब हम, ये देखिए अब हमारे ये 2 फंदे रेड के हमने जो शुरू में डाले थे वो हो गए हैं, और ये 11 फंदे हमारे ब्लू के हैं। इनको अभी हमारी एक कली तो बन के तैयार हो गई है, और अभी हमें बीच का बनाना पड़ेगा ये सर्कल, नहीं तो हमारे डोरमेट में सिकुड़न पड़ जाती है। वो सिकुड़न नहीं पड़ेगी, मैं भी बताती हूँ। ये हमारा बनने के बाद में, ये देखिए हमने बना लिया पूरा। अब हम ब्लू से बीच का सर्कल भरेंगे, ये देखिए ऐसे किया और ये फंदे हमने बीन लिए, ये हमारे 11 फंदे हैं। ये देखिए ये हम 9 फंदे बीन लिए, और ये देखिए हमने ब्लू के 2 फंदे छोड़ दिए। ये अब इसको ऐसे घुमा के फिर यहाँ से वापस जाएंगे, ये पूरा इसी तरह से। ये देखिए वापस, और हमें इन फंदों को अभी नहीं छूना है, अभी हमें ये खाली ब्लू से ही बिनना है। ये देखिए जब ये हमारा डोरमेट बन जाएगा तो बहुत खूबसूरत लगता है, एकदम सनफ्लावर जैसा। और ये देखिए उस बार हमने 2 फंदे छोड़े थे, इस बार 2 और छोड़ देंगे। ये देखिए 1, 2 छोड़े थे, और फिर ये हम 2 छोड़ेंगे। ये देखिए हमने बीन दिया, 1 फंदा 3 है, ये 2 छोड़ दिए और फिर वापस हो जाएंगे। इसी तरह से हम हर सलाई में 2-2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ आएंगे, 3 बचेंगे, फिर मैं बताऊंगी। ये देखिए हमने बना लिए, अब ये हमारे लास्ट में 3 फंदे बचते हैं। ये देखिए अब ये 3 फंदों को हम फिर बीन लेंगे इस तरह से, फिर वापस। अब ये हम हर सलाई में 2-2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक आ गए, ये देखिए बीन लिए। अब हमने सेम बीन लिया, अब हम सेम उसी तरह से रिपीट करेंगे जैसे यहाँ किया था।
अब हम दो दो फंदे ये उतार लेंगे, ये फंदा बीनेंगे नहीं। ये हमने तीन फंदे भी, दो फंदे उस समय तीन बीने थे, अब हम दो दो फंदे बीनते हुए फिर नीचे की ऊपर नीचे की तरफ जाएंगे। ये देखिए ऐसे बीन लिए, तीन उबिन, ये दो, चार फंदे हो गए। इसको ऐसे उतारेंगे, ये देखिए ऐसे उतारा, ऐसे घुमा के ले लिया और फिर ये ऐसे इसी में पिरो लिया फिर, और ऐसे हम पूरा लाइन बीन लेंगे। इसी तरह से हर सलाई में हम अपनी, ये सीधी सलाई वैसे ही बीनना है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम फिर उसमें आ गए, ये फंदा उतारा और ऐसे बीन घुमा के लिया और फिर ऐसे बीन लिए। उस बार हमने चार फंदे थे, अभी हम दो फंदे और भी बढ़ा देंगे तो ये हमारे हो जाएंगे। ये देखिए इस फंदे को तो हम गिनते काउंट में नहीं लेते हैं इसीलिए एक्स्ट्रा डालती हूँ, और ये हमारे दो दो चार चार हो गए। अब ये दो फंदे और छः, ये हमने, अब ये हमने फंदा उतारा और ऐसे घुमा के ले लिया और फिर ऐसे ही, इसीलिए हम यहाँ लास्ट तक बीन लेंगे। हर सलाई में दो दो फंदे बीनते हुए यहाँ तक आ जाएंगे, फिर बताते हैं। ये देखिए हम बीनते बीनते यहाँ लास्ट तक बीन लिए हमने पूरे अपने, ये हमारे 11 फंदे थे इनको बीन लिया और ये ऐसे किया। अब हम इसको फंदे को उतार के ऐसे घुमा के ले लेंगे, इसको उतार लेंगे और ये सीधी सलाई हमारी पूरी वैसी बीन लेंगे जैसी है। इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधी सलाई में हमारी कोई भी डिजाइन नहीं पड़ती है, सिर्फ ऐसे ही रहता है। पूरा हमने बना लिया और ये हमारी एक कली, ये देखिए बन के तैयार हो गई। जैसे हमने, ये देखिए ये हमारा पूरा, और ये हम बनाने से हमारे ये डोरमेट में डिजाइन झोल नहीं पड़ता है, डिजाइन हो जाती है, सुकड़ा सा आ जाता है, सब डिजाइन खराब करती है। अब हम सेम उसी तरह से रिपीट करेंगे जैसे हमने फंदे डाले थे, ये आठ ये, दो ये, ग्यारह ये। अब डिजाइन हमें फिर से दोहरानी है। अब हमने बीन लिया, अब हम ये ऐसे ही बीनेंगे पूरी लाइन। ये देखिए हमने पूरी लाइन बीन ली। अब हम दो फंदे ये ग्लू के रेड बनाएंगे जैसे हमने शुरू शुरू में बनाया था। ये देखिए ये, और दो हमारे पहले से थे तो हमारे चार रेड हो गए। और यहाँ पे सेम उसी तरह से अब हम डिजाइन वो करेंगे। ये देखिए यहाँ नीचे जाके दो दो फंदे हम इधर से छोड़ते हुए फिर आएंगे। ये देखिए अब हम इसमें दो फंदे छोड़ देंगे और यहाँ से घुमा के ले लेंगे। ये देखिए हमारी एक कली बनके तैयार हो गई। अब यहाँ से हमारी दूसरी कली स्टार्ट हो रही है। सेम दोबारा जैसे मैंने यहाँ पे रिपीट किया था, सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे और ये हमारा सनफ्लावर जैसा डोरमेट बहुत खूबसूरत बन जाता है। मैं आपको बीन के दिखाऊंगी। ये देखिए हमारा डोरमेट बन के तैयार हो गया है। ये मेरा थोड़ा सा रह गया है और ये देखिए मैंने इसको बनाया है। देखिए कितना खूबसूरत सा सनफ्लावर डिजाइन में डोरमेट बन के तैयार हो गया है। आपको मेरा डोरमेट अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपको सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।